हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज माय नॉलेज पार्क। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द इन्फिनिटिव्स एंड देयर टू फॉर्म्स, दैट इज वन इज परफेक्ट एंड अनदर वन इज पार्टिसिपल, दैट हाउ टू बी यूज्ड इन द सेंटेंसेस एंड एज वेल एज इन द फॉर्म्स ऑफ टेंस। नाउ व्हाट आर इन्फिनिटिव्स? Infinitives are none other than they are the main or basic form of the verbs. Whatsoever the action verbs are there in the world, in generally speaking, they have been declared as infinitives. Infinitives क्या है? Infinitives जितने भी action words होते हैं वो infinitives होते हैं, और infinitives के प्रकार जो है एक perfect में है और दूसरा participle में है। Now इन्फिनिटिव फॉर एग्जाम्पल राइट है, राइट का रोट हो गया और रोट का रिटर्न हो गया। राइट का मतलब है लिखना, रोट का मतलब है लिखा, एंड रिटर्न का मतलब है लिख चुका। थोड़ा ध्यान दे दो, जनरली ये जो इन्फिनिटिव है ये इन्फिनिटिव सिंपल प्रेजेंट में उसके साथ साथ सिंपल फ्यूचर में यूज किए जाते हैं, लेकिन ये परफेक्ट के में यूज किए जाते हैं। इन्फिनिटिव्स के परफेक्ट जो है ये जनरली सिंपल पास्ट में यूज किए जाते हैं, और ये जो पार्टिसिपल है जो इन्फिनिटिव्स के क्या है बाबा, फॉर्म्स है, ये जो है ये आइदर पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों परफेक्ट टेंस के अंदर ये पार्टिसिपल V3 फॉर्म यूज किए जाते हैं। जनरली वी व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश समटाइम्स नोइंगली अनोइंगली वी टू कमिट मिस्टेक्स, कभी कभी जाने अनजाने में हमसे भी गलती होती है अंग्रेजी में बात करते समय, क्योंकि अंग्रेजी कुछ ऐसी है, अंडरस्टैंड, इवन हमारे ओन लैंग्वेज में मदर टंग में भी बात करते समय गलतियां हो जाती है। जाहिर सी बात है अंग्रेजी में बात करते समय गलतियां हो जाती है। Those who are speaking fluently and in a very correct way, generally they are not going to get any mistakes whenever they speak in English. Now, what I mean to say that, I would like to give one more key while talking regarding the forms of verbs and as well as the infinitives and their perfect forms and participles. While taking one example, you will come to know how generally the tense are depending upon using the perfect forms of the infinitives and participles. उसके आगे भी चल के एक है noun gerund, जो ing participle होता है सभी को। For example, write writing, think thinking, drink drinking, speak speaking, go going, sing singing, sink sinking. Perfect में क्या होता है? Wrote becomes written, thought becomes thought, drank drunk, spoke spoken, went gone, sang sung, sank sunk. Right लिखना, wrote लिखा, written लिख चुका, think सोचना, thought सोचा, thought सोच चुका, drink पीना, drank पिया, drunk पी चुका, speak बात करना, spoke बात किया, spoken बात कर चुका, go जाना, went गया, gone जा चुका, sing गाना, sang गाया, sung गा चुका, sink डूबना, sank डूबा, संख डूब चुका। जनरली द सिप्स, जनरली द सिप्स और द बोट्स व्हाट सो एवर दे आर सपोज टू बी व्हाट वी कैन से आइदर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड द सैंक और संख। नाउ जस्ट यू लिसन, हाउ टू बी यूज्ड बाय इन्फिनिटिव्स। व्हाइल यूजिंग द इन्फिनिटिव्स व्हाट वन हैज टू डू व्हाइल यूजिंग द इन्फिनिटिव्स, नाउ जस्ट यू लिसन, द इन्फिनिटिव्स आफ्टर जस्ट यूजिंग द परफेक्ट फॉर्म as well as the past form, infinitives are supposed to be used in simple present. How supposed to be used in simple present? You see, I write, he writes, after that she writes, later on they write. So these are the infinitives, and infinitives are used in simple present as well as
सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर. हाउ इन सिंपल फ्यूचर? आई विल राइट, दे विल राइट, दे विल राइट, एंड आफ्टर दैट वी विल राइट, वी विल राइट. ये रहा सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर के बारे में. सिंपल पास्ट में कैसे लिखा जाता है? सिंपल पास्ट में पूरे परफेक्ट फॉर्म्स लेने हैं, कहीं के इन्फिनिटिव्स के. फॉर एग्जांपल रोट इज देयर, फॉर एग्जांपल यू सी बाबा, ही रोट, दे रोट, ही रोट, ही थॉट, सी ड्रैंक एंड ही स्पोक, व्हाटसोएवर इट इज. हाउ इट इज? सिंपल प्रेजेंट, आई राइट, ही राइट्स, सी राइट्स, दे राइट. सिंपल फ्यूचर, आई विल राइट, दे विल राइट, वी विल राइट. नाउ सिंपल पास्ट, ही रोट, सी रोट, इट रोट, दैट रोट, आई स्पोक, ही ड्रैंक, ही थॉट, वी रोट और वी वेंट, वी सैंग, यू सैंग, दे सैंग. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल पास्ट. नाउ व्हाइल टॉकिंग रिगार्डिंग द परफेक्ट, व्हाट इज परफेक्ट? आइदर इट इज पास्ट परफेक्ट, either it is present perfect or it is future perfect. What we have to do? We have to take V3 form of the V1, that is infinitives. How written, how it should be used? Now just I will give the one of the examples. For example, simple past perfect mein kis tarah se iska example istemal kiya jata hai aur written ko kaise istemal kiya jata hai. Now he had written. He had written is the example of simple. He had written. It is the example of simple past. In the same way, he has written. It is the example of present perfect. And he will have written. This is the example of future perfect. Remember, my dears, I am giving once again here one of the keys. What it is? All the infinitives are written into in simple present as well as in simple future. All the V1, V2 form of infinitives are supposed to be written into simple past. And all the perfect or participle forms of infinitives or V1 or the main basic verb forms are written into either it is in past perfect or present perfect or future perfect. This is wrong English. What is wrong English? He gone is a wrong English. He gone is a wrong English. He spoke wrong. He gone wrong. He sung wrong. And he sunk wrong. Why? He went, he sang, he sank. This is the correct English. Because in simple past, what we have to do? In simple past, we have to take one of the singular or plural pronouns. And before that, V2 form must be written. Then only that sentence becomes 100% correct sentence. Neither you should write. What you should not write? You should not write that what we can say. They sank. What does it mean? They sank. Yes, they sank. This is the example of simple past. But remember, my dears, they gone. It is not the example of simple past because it is wrong English. They had gone. This is the example of past perfect. And they went is the example of simple past. And they go is the example of simple present. And they will go, this is the example of simple future. At last, anyhow, what I have to say, what I have to convince you, I have to convince you that how the infinitives are used in either it is present tense, either it is past tense, or it is future tense, or how the perfect form of the infinitives used in 12 parts of 3 tense
and also how the participles are used near about in all 12 forms of the three tense. That is very important, and I had to make you understand how should be written in simple present, how should be written into how should be written into simple future, how should be written into simple past. What are those? The infinitives and their perfect forms. So this is very important. Now in next video, along with the fantastic examples of after using the infinitives, how all the simple presents are going to express, as well as present continuous, present perfect and present perfect continuous. In the same way, simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Likewise, simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. ये 12 जितने भी tense है, इस tense के अंदर infinitives के कौन से verbs लिखने से वो correct sentence बनता है, उसके बारे में हम आज यहां थोड़ी सी जानकारी ली है. अगले वीडियो के अंदर total 12 tense के अंदर किस तरह से infinitives के perfect forms और participle forms लिखने के बाद वो correct sentences और as well as correct tense use होता है, और उसी ढंग से correct tense के अंदर किस तरह से अंग्रेजी में बात की जाती है, उसके बारे में आने वाले वीडियो के अंदर हम डिटेल में देखेंगे. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद. As you know my dears, if you like my channel, please do not forget to subscribe it. Please subscribe it if you like. So please share it. And just you have to suggest me whatever the problems that you are going to face. And please you suggest your suggestions in comment box. Your one suggestion really enhance my confidence. Till then, stay with us.